साथ अस्मिता दुबे। और देखिए, मध्य प्रदेश में मोदी मोदी के नारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और वो भोपाल पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एमपी को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि इंदौर टू भोपाल के लिए वंदे भारत के लिए हरी झंडी दिखाते हुए उन्हें रवाना करेंगे, और भोपाल टू जबलपुर वंदे भारत की सौगात भी मध्य प्रदेश वासियों को आज मिलने वाली है। बारिश की वजह से शहडोल दौरा रद्द हुआ है। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत करेंगे। रानी कमलापति स्टेशन को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार तरीके से भोपाल एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। अब इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां पर अब कुछ ही देर में बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मध्य प्रदेश वासियों को। रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी सौगात भोपाल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब थोड़ा ही समय बाकी है, इसका इंतजार किया जा रहा था। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी, और क्योंकि प्रधानमंत्री का इंतजार जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रानी कमलापति स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। स्टेशन में उनका इंतजार किया जा रहा था, चूंकि अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पूरे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काफी ज्यादा तैयारियां यहां पर चाक चौबंद की गई है, फूलों से चारों तरफ यहां पर सजावट की गई है, और ये खास सजावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, ये खास सजावट मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली नई सौगात को लेकर, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की आज सौगात मिलेगी। सौभाग्य इस धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे, रेलों की वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे, उनका आगमन मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय है। उनका प्रदेश की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत। और हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है नीलम। नीलम की ओर रुख करेंगे। नीलम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं, और कितना इंतजार? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे क्योंकि राजधानी भोपाल में जो है मौसम सुबह से ही खराब है, बारिश हो रही है। ऐसे में बाय रोड जो है पीएम मोदी का काफिला रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुका है, और अब कुछ ही देर या कहें कि कुछ ही मिनटों की देरी है जब हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल इंदौर भोपाल और भोपाल जबलपुर भोपाल चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिसका इंतजार यात्रियों को एक लंबे समय तक था। काफी स्पीड से ये ट्रेन चलती है, काफी लग्जीरियस मानी जाती है, और जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए जो है वंदे भारत की सौगात दी गई है। वहीं इस वक्त मैं लाल परेड मैदान के बाहर खड़ी हूँ, और हो सकता है कि यहाँ पर भी पीएम मोदी जो है रोड से ही आए। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे रोड पर जो है तैयारी की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है कि अगर पीएम मोदी रोड के जरिए आते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि पहले से भी ये माना जा रहा था, मौसम केंद्र ने अनुमान जाहिर किया था कि भारी बारिश हो सकती है उनके दौरे के दौरान, और इसी वजह से जो रोड शो होना था उसे भी रद्द किया गया था। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्था कर दी गई है, पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के कुछ ही देर बाद जो है पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन से निकलकर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे बाय रोड ही, जहां पर वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता पहले से ही कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं, उनके अलग से व्यवस्थाएं की गई है, और अब थोड़ी ही देर अगर हम कहें कि कुछ ही देर बाकी है उनके रानी कमलापति स्टेशन में पहुंचकर सौगात देने के बाद जो है यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद होने में। जी
बिल्कुल थोड़ा ही समय बाकी है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफिला अभी हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देख जी जी बिल्कुल देखिए ये कारपेट जो जा रहा है ये हम अपने दर्शकों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलावती स्टेशन पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, जहां अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनको पुष्पगुच्छ देकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए कितना खास ये समय है, कितना खास ये पल है। रेड कार्पेट बिछा हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर एंट्री लेते हुए उनका जहां स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा और तमाम यहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उनके सम्मान के तहत यहां पर स्वागत किया गया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कुल मिलाकर यहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अब कुछ ही समय, कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है जब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि वो पहुंचे हैं और ऐसे में हाथ जोड़कर वो सभी का आभार ले रहे हैं और सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के चेहरे पे खुशी भी यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उनके आगमन को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित, और जो अभी आपने तस्वीरें देखी उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक नई ऊर्जा यहां पर मिलेगी। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, लोकसभा चुनाव अगले साल है और इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और देखिए जहां आप स्टेशन में देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस यहां पर खड़ी हुई है,